कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर लगा है हस्तशिल्पकारों का महाकुंभ। ये जानने के लिए काफी है कि हरियाणा में भी हस्तशिल्प कदरदानों की कोई भी कमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टोन नंबर 177 पर, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं। आपने दोस्तों बहुत सारी चॉकलेट्स खाई होंगी, लेकिन ये जो चॉकलेट्स मैं देख पा रही हूँ, ये चॉकलेट्स का भंडार है। और जहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ, अलग अलग फ्लेवर्स में यहाँ पर चॉकलेट्स दिखाई दे रही है। ये कहानी है दो भाइयों की, अमित जैन और कपिल जैन की, जिन्होंने इस आइडिया को अपना एक कल्पना को एक नया रूप दिया और बना डाली विभिन्न प्रकार की चॉकलेट्स। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी जो ये शुरुआत है, इनका जो ये प्रयास है, इसकी कहानी कैसे शुरू होती है। सर, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। हाँ जी सर, बताइए कि ये चॉकलेट्स का जो मैं भंडार देख पा रही हूँ, इसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? मैडम, पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो 2015 के बाद हमने शुरू किया। घर में वाइफ को आता था बनाना, तो पहले फैमिली फ्रेंड्स के लिए, फंक्शंस के लिए हम बनाते थे, सबको अच्छा लगता था। तो फिर 2015 के बाद मैंने जॉब ड्रॉप की, ब्रदर ने भी और मेरी वाइफ भी MBA है, वो भी लेक्चरशिप में थी। तो उसके बाद फिर हमने इसको बिजनेस का रूप दिया। बिजनेस का रूप दिया, एक रिस्क उठाया आपने, उसके बारे में क्या क्या सोचा आपने? एक्चुअली बिजनेस करने का मन हमेशा से ही था, कोई कोई नए आइडिया सर्च करते रहते थे, तो फिर ये यूनिक लगा, तो इसलिए लगा कि कम से कम इसे ट्राई दिया जाए एक बार। आप कितने फ्लेवर लेकर आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे 37 फ्लेवर्स हैं, वैसे हमारे पास 50 प्लस फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। कैसा बिजनेस रहता है आपका? अच्छा रहता है, यूनिक स्टॉल है, कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, रिपीट कस्टमर्स हैं लगभग सारे। अलग अलग फ्लेवर्स हैं, इनका आइडिया भी आपने कहीं ना कहीं से मतलब कि कैच किया होगा, उसकी कहानी बताइए। आइडियाज़ बस माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, कोई नई चीज़ हमेशा प्रेजेंट करनी चाहिए, तो इंडियन फ्लेवर्स, जैसे हमेशा इंडियन मसाले होते हैं, इंडियन मिठाइयाँ होती है, उनको लेके हमने लगा कि उनके लिए चॉकलेट्स भी होनी चाहिए। जैसे राजभोग चॉकलेट हमारे पास है, कुल्फी चॉकलेट है, रबड़ी चॉकलेट है, इस तरह से हमने डेवलप किया फ्लेवर्स। आप ये बताइए, यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो भी कस्टमर एक बार आता है, तो वो 18 दिन की जैसे गीता जयंती है, तो 3-4 बार जरूर रिपीट करता है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर ये जो छोटी सी चॉकलेट्स है, उसकी कहानी बहुत बड़ी है। आइए बात करते हैं हम जैन बंधुओं में से एक और भाई से, कि इस कहानी का जो एक रूप इन्होंने तैयार किया, वो कैसे किया। सर, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ जी बताइए, ये चॉकलेट्स का जो भी सिस्टम यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारी ढेर सारी है, ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फ्लेवर चुना जाए, उसकी कहानी बताइए। इसमें हम 50 से ज्यादा फ्लेवर्स हैं हमारे पास, सबके अलग अलग वैरायटी है, कुछ यूनिक फ्लेवर ऐसे जैसे पान फ्लेवर चॉकलेट है, गोलगप्पे वाले फ्लेवर की चॉकलेट है, टी फ्लेवर चॉकलेट्स है, इस तरह हम काफ़ी वैरायटी के चॉकलेट्स बनाते हैं। तो गीता जयंती हमारे सामने लगाते हैं ताकि कुछ यूनिक कस्टमर्स को दे पाएं, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इसे, इसलिए। सालाना आपका बिजनेस कैसा रहता है? सालाना बिजनेस अच्छा रहता है, हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी करते हैं, फैब बाई ट्रेडमार्क है हमारा, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन सेल करते हैं, तो 40-50 लाख टर्नओवर हमारा है। तो देखा दोस्तों, छोटी सी चॉकलेट्स की एक बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पर मैं विभिन्न प्रकार की चॉकलेट्स देख पा रही हूँ, ये छोटी सी चॉकलेट्स है, लेकिन इसमें खुशियाँ भरी हुई हैं, स्वाद भरा हुआ है। और 10 रुपये में आपको और क्या चाहिए, एक बेहतरीन फ्लेवर आपको यहाँ पर चखने को मिलेगा। तो ये जो जैन बंधुओं का प्रयास है, उसको आप भी जो है एक नया रूप दे सकते हैं, या उसको खा सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, 10 रुपये में एक छोटी सी खुशी आपको मिल रही है, लेकिन एक लाजवाब जो है वो एक फ्लेवर आपको मिल रहा है। तो बी पॉजिटिव ये चाहेगा कि आप 177 एक बार स्टॉल पर जरूर आइएगा और इन चॉकलेट्स का फ्लेवर जरूर चखिएगा। बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नगेंद्र शर्मा।